जल्दी से कंफर्म करिए मैं ऑडिबल हूँ सभी को ऑडिबल हूँ सभी को जल्दी से मेरे को कंफर्म करिएगा कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ जल्दी से कंफर्म करिएगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वॉइस क्लियर है वॉइस क्लियर है चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो आ गए सब कमेंट मैं सॉरी ऑडिबल तो होंगे ही ठीक है ऑडिबल ऑडोवल सभी को एक मिनट रुकना चलें सेशन को स्टार्ट करते हैं नमस्ते नमस्ते सभी गुड इवनिंग पूजा गुड इवनिंग रजनीश राधे राधे ट्विंकल गुड इवनिंग सोनू राधे कृष्णा संदीप नमस्ते पिंकी नमस्ते लिप्सा गुड इवनिंग सोनू गुड इवनिंग अर्चना नमस्ते शश्रीकाल शिवानी गुड इवनिंग नंदन चलें सेशन को नमस्त्री चले चल। से राधे राधे चलो चलो पहला क्वेश्चन आपसे बोला ध्यान से आंसर करिएगा इसका बोला यहाँ पर प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री होता है ठीक है तो ये कैसे आते हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ध्यान से बताना है कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है बोला सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता इनमें से कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन बी कैन बी द हेड ऑफ़ द रूलिंग पार्टी कैन बी द हेड ऑफ रूलिंग पार्टी इज इज ऑलवेज द हेड ऑफ़ द रूलिंग पार्टी कैन नॉट कैन नॉट बी प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड नन ऑफ दिस तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा अमिताभ गुड इवनिंग सपना राधे राधे रानी गुड इवनिंग बिल्कुल सही इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके यहाँ जो पीएम बनाए जाते हैं वो टू टाइप्स के बनाए जाते हैं ठीक है जिनको पता है अच्छी बात जिनको नहीं पता वो सुन लो ठीक है जो आपके यहाँ पीएम बनते हैं वो टू टाइप्स से बनते हैं एक आपको पता है यहाँ पर क्या कि यहाँ पर कैन बी हेड ऑफ रूलिंग पार्टी मतलब यहाँ पर लोकसभा में जिसकी भी बहुमत होती है वो यहाँ पर अपना मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए मतलब वो कर सकता है ठीक अच्छा उसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है दूसरा तरीका होता है यहाँ पर फर्स्ट अमंग फर्स्ट अमंग इक्वल इसको क्या कहते हैं फर्स्ट इक्वल्स फर्स्ट अमंग इक्वल्स अब कहोगे सर ये क्या होता है ये होता है जैसे आप मैं इसको कंपेयर करता हूँ सीएम से ठीक है पीएम से कंपेयर कर लेता हूँ जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र है महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन की गवर्नमेंट है बिहार में गवर्नमेंट आपकी गठबंधन की गवर्नमेंट है जो वहाँ के फर्स्ट होते हैं मतलब इक्वल्स में जो बराबर में जो पहले होते हैं उनको यहाँ पर आपका सीएम बना दिया जाता है वैसे ही यहाँ पर आपके पीएम के तौर पे भी होता है जो पीएम में बड़ा होता है फर्स्ट होता है तो उसको यहाँ पर पीएम बना दिया जाता है जैसे गठबंधन की गवर्नमेंट में होता है अच्छा आपने नॉर्मली देखा होगा जिस सीट मतलब जिस पार्टी की सीट ज़्यादा होती है वो पार्टी अपना यहाँ पर आपका <laughs> सी बनाती है बाकी यहाँ पर डिप्टी सी बना देती है है ना तो ऐसे ही पीएम के साथ होता है लेकिन यहाँ पर डिफ्टी पीएम नहीं आते पीएम आते हैं यहाँ पर ठीक है तो ये चीज क्लियर है अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हाँ <coughs> कि पीएम को नियुक्ति कौन दिलाता है तो उसके आर्टिकल्स आप याद कर लो ठीक है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कौन सा आर्टिकल है तो आर्टिकल है सेवेंटी का क्लॉज नंबर वन प्रेसिडेंट होंगे प्रेसिडेंट यहाँ क्या करेंगे आपके पीएम की नियुक्ति देंगे किसको देंगे पीएम को नियुक्ति देंगे और पीएम की एडवाइस से बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पर क्या करेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे मतलब इनको शपथ दिलाएंगे बात बात क्लियर हुआ राष्ट्रपति क्या करेगा पीएम को बुलाएगा पीएम को शपथ दिलाएंगे ठीक पीएम की सलाह से पीएम एडवाइस करेंगे कि हमारे हमारी पार्टी में मतलब हमारी टीम में ये ये मेंबर होने वाले हैं तो उनको यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर नियुक्ति देंगे कौन प्रधान आपके राष्ट्रपति अच्छा उसके अलावा यहाँ पर क्या और चीज़ फी सही है और उसके अलावा आप चीज़ याद रख सकते हो यहाँ पर क्या सेवेंटी फाइव का क्लॉज नंबर टू आर्टिकल सेवेंटी फाइव का क्लाज नंबर टू ये कहता है तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जल्दी से मेरे को बताना सभी को गुड इवनिंग जो लेट में आए ठीक है सभी गुड इवनिंग एक क्वेश्चन का आंसर करना कि एक चीज़ बताओ मैं तुमसे तो पूछूँ कि पी और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कितना कार्यकाल होता है जल्दी से बताना यहाँ पर पी और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कितना कार्यकाल होता है जल्दी से मेरे को बताइएगा पीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कितना कार्यकाल होता है तो काग्रेस सब जीरो होता है बिकॉज ये आर्टिकल सेवेंटी टू का सेवेंटी फाइव का क्लॉज नंबर टू इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोलते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी मेम्बर्स हैं ये क्या हैं प्रेसिडेंट की प्लेजर पर आते हैं किसकी प्लेजर पर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर आते हैं किसकी प्लेजर पर आते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर पर आते हैं मतलब प्रेसिडेंट uh, 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 के राष्ट्रपति uh, uh, के, uh, uh, के, के प्रसाद पर्याप्त आते हैं ठीक जब राष्ट्रपति चाहे इनको यहाँ पर हटा चुके हैं यहाँ पे क्या कर सकता है आपका हटा सकता है ठीक ये चीज़ याद रखना अच्छा उसके बाद अगर मैं पूछूँ यहाँ पर सेवेंटी फाइव का क्लॉज नंबर थ्री क्या कहता है सेवनी फाइव का क्लॉज नंबर थ्री ये कहता है कि अगर लोकसभा जो है ना सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी सॉरी मंत्री परिषद पर जो है ना आपकी सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो है ना लोकसभा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लोकसभा सेवेंटी का क्लॉज नंबर फोर क्या कहता है वो ये कहता है इंडिविजुअली किसके प्रति आपके होंगे तो आपके प्रेसिडेंट के होंगे अच्छा सेवेंटी का क्लॉज नंबर फाइव क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट है ये क्या कहता है अगर मान लो कोई मंत्री कोई प्रधानमंत्री आपका लोकसभा का सदस्य नहीं है तब उस टाइम यहाँ पर क्या हो सकता है वो मंथ मंथ तक तक आ सकता है कितने छह महीने तक मतलब मंथ तक. तक ये अपने पद पे रह सकता है सिक्स मंथ के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा अपनी बहुमत को साबित करना पड़ेगा ऐसे ही राज्यों में होता है जैसे आपने सुना होगा ममता बनर्जी जो थी आपकी दीदी जी जो थी वो अपनी सीट जो है ना वेस्ट बंगाल में हार गई थी लेकिन उन्होंने अपनी छह महीने के अंदर बहुमत को साबित किया फिर वो सीएम बनी रही है ना? तो आपने देखा होगा से, इतना चीज क्लियर हाँ तो इस चीज को याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला ध्यान से बताना मेरे को आ, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रदेश दल के रूप में मान्यता कौन देता है किसी राज्य को किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रपति विधि मंत्री निर्वाचन आयोग और इनमें से कोई नहीं प्रेसिडेंट लॉ मिनिस्टर इलेक्शन ये कौन करता है पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल पार्टी नेशनल और रीजनल पार्टी ध्यान से बताना कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें बिल्कुल सही <laughs> ठीक तो इसका आंसर जो है आपका बिल्कुल सी इलेक्शन कमीशन अच्छा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन की तो याद रखना यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है ना ये किस पार्ट में आता है तो आता है पार्ट फिफ्टीन में किस में आता है पार्ट फिफ्टीन में ये आता है ये चीज क्लियर है किस में आता है आपके पार्ट फिफ्टीन में अच्छा आर्टिकल आर्टिकल दो चलिए था ना तीन सौ चौबीस से तीन सौ उनतीस तक किस में आता है तीन सौ चौबीस से तीन सौ उनतीस तक आता है सबसे पहले बताना यहाँ पर आपका ये जो है ना आपका आर्टिकल तीन सौ चौबीस क्या कहता है आर्टिकल तीन सौ चौबीस क्या कहता है ध्यान से सुना मैं बताता हूँ है ना आर्टिकल तीन सौ चौबीस कहता है यहाँ पर कुछ नहीं ये आपके आपके इलेक्शन कमीशन के कार्ड से बताता मतलब यहाँ पर इलेक्शन को डायरेक्ट करना मतलब डायरेक्टिंग ऑफ इलेक्शन ठीक और उसको यहाँ पर कंट्रोल करना ये काम होता है किसका आपका इलेक्शन कमीशन का ठीक उसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना मतलब फ्री एंड फेयर मतलब समझते हो मुफ्त और निष्पक्षता से इलेक्शन कराना उसके अलावा वोटर लिस्ट को तैयार करना उसके अलावा आपने सुना होगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया बॉडी ऑल इंडिया बॉडी है, है। ठीक उसके अलावा आपने सुना होगा इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और इसने ही बता रखा है कि भैया हमारा पंचायत से कोई लेना देना नहीं है और जबकि पंचायत के लिए एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन है उसके राज्य का पंचायत और लोकल इलेक्शन के लिए उनके खुद का राज्य का चुनाव आयोग है जो उनके चुनाव कराता है तो इस चीज़ को यार ना कि आपका इलेक्शन कमीशन जो होता है ना इलेक्शन भारत का जो निर्वाचन मतलब ई मतलब निर्वाचन आयोग जो होता है भारत का वो क्या करता है यहाँ पर सिर्फ आपके लोकल्स जो इलेक्शन होते हैं और आपके राष्ट्र इनके पंचायत के इलेक्शन छोड़ के बाकी सारे इलेक्शन वो कराता है ठीक ये कहा है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर के क्लॉज नंबर टू में क्या कहा गया क्लॉज नंबर टू में ये कहा गया कि <laughs> इनके स्ट्रक्चर की बात की गई किन के इन्हीं के इंस्ट्रक्चर की बात की गई थी ठीक इसमें यहाँ पर ये यह होंगे बाकी अदर जो जाए राष्ट्रपति तो नहीं ला सकते तीन सौ चौबीस के क्लॉज नंबर थ्री में क्या कहा गया उसमें ये कहा गया अगर आपके चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ दो तीन लोग और आ जाते हैं तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ठीक जो चीफ इलेक्शन कमीश्नर होता है ठीक वो यहाँ पर क्या होगा वो क्या होगा यहाँ पर आपका एज अ चेयरमैन काम करेगा

कहता है कि जो आपके विधानसभा के चुनाव हैं और जो लोकसभा के के चुनाव वो आपके मतलब साल के प्लस में होता है मतलब हम सब जो जो है ना इसमें वोट देने जाते हैं और ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन क्या कहता है तीन सौ चौबीस का तीन सौ सत्ताईस का ठीक ये क्या कहता है ये कहता है यहाँ पर पार्लियामेंट यहाँ पर रूल्स बना सकती है कि रिलेटेड आपके कुछ इलेक्शन इल, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कुछ राज्य की विधानसभाओं के लिए अच्छा तीन सौ अड़तीस क्या कहता है तीन सौ अड़तीस कहता है कि राज्य का जो मतलब विधानमंडल होता है अपने राज्य के लिए कुछ प्रोविजन डाल सकता है तीन सौ क्या कहता है कि आपके इलेक्ट्रिकल में किसकी एंट्री कोर्ट्स की एंट्री ठीक तीन सौ का क्लॉज नंबर आपका ए ये लाया गया था चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस में कब लाया गया था ठीक जो क्या आपके चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस में लाया गया था वो यहाँ पर था आपके पीएम और काउंसिल ऑफ आपके सॉरी लोकसभा के स्पीकर के लिए स्पेशल बात प्रोविजन दिए गए यहाँ पर ठीक तो है तो इस चीज़ को करना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने पहले भी बताया निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ध्यान से बताना आ, अच्छा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना क्लास में रहते रहते कम से कम फिफ्टी प्लस कर लेना ठीक हाँ तो ये कौन होता है कैग होता है कौन कॉम्टोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो अगर मैं बात करूं इसकी तो याद रखना है यहाँ पर क्या आपके 148 से 151 तक इसमें बात कही गई है ठीक हाँ अगर मैं बात करूं यहाँ पर 148 के तहत इसको प्रेसिडेंट नियुक्ति देता है कौन देता है राष्ट्रपति ठीक राष्ट्रपति क्या करते हैं इनको नियुक्ति देते हैं ठीक राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं इस चीज़ को कौन अपॉइंट करता है आपका राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और ये क्या करता है सारे राज्यों की मतलब यहाँ पर लेखक मतलब जितने भी अकाउंटिंग का काम करके आर्टिकल 151 के तहत ये रिपोर्ट देता है किसको रिपोर्ट देता है ये रिपोर्ट देता है आपके राष्ट्रपति को किसको रिपोर्ट देता है आपके राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है अब इस बेसिस पे राष्ट्रपति जब इस रिपोर्ट को ले जाते हैं और रास्ते में दो लोग मिल जाते हैं उसमें अपोजिशन का लीडर भी होता है कहते हैं हम कैसे बात मान लें कि सरकार तुम्हारी तुम भी उसी सरकार के राष्ट्रपति और कैक भी तुम्हारा तो जो तुमने लिया होगा वो बिल्कुल सही डिसीजन लिए होंगे तो राष्ट्रपति इस टाइम आ जाता है गुस्सा और राष्ट्रपति कहते हैं भैया लोकसभा से पंद्रह लोग उठिए ठीक और राज्यसभा से सात लोग उठिए तो टोटल कितने हो गए आपके बाईस लोग <coughs> कितने हो गए बाईस और बाईस लोगों को लेके कह देता सारी चीजें जो पब्लिकली होंगी अकाउंट होगा इसमें और कम्यूटी जिसको बोलते पब्लिक अकाउंट कमेटी हिंदी में बोले तो लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति बोला जाता है इसको ये यहाँ पर अब आपकी मतलब यहाँ पर मतलब बना दी जाती है और जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं ओपोजिशन के लीडर और ये जो समिति होती है अपनी रिपोर्ट किसको देती है तो ना लोकसभा के स्पीकर को किसको रिपोर्ट देती है आपकी लोकसभा के स्पीकर को किसको देती है तो यार ना लोकसभा के स्पीकर को यही अपनी रिपोर्ट देती है तो इतना चीज़ क्लियर है हाँ इस चीज़ के उसके अलावा लोकसभा के स्पीकर का रोल कहाँ कहाँ होता है तो आपको पता है एक में एक में Uh, एक और मनी बिल में किस में आपके मनी बिल में तो इतना चीज क्लियर चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहां पर ओ, 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 हाँ. बोला यहां पर आइडिया ऑफ द असेंबली वॉज फॉर्मली रिलेटेड अगर मैं पूछूं यहां पर किसने दिया था अगर मैं पूछूं यहां पर संविधान सभा का जो मतलब आइडिया था ये किसने दिया था ध्यान से बताना बिल्कुल सही इसका जो आंसर है आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल एम एन राय थोड़ा सा ऑप्शन इंग्लिश में गलत है इसको एम एन राय कर देना हिंदी में सही लिखा है एम एन राय ने ऑफर दिया था अच्छा संविधान सभा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले पूछा था संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो यह ना नौ दिसंबर उन्नीस को पहली बैठक कब हुई नौ दिसंबर उन्नीस को और इस टाइम क्या थे आपके टेम्परेरी बनाए गए थे संचिदानंद सिन्धा सचिदानंद सिन्हा जो थे पहले आपके मतलब ये बने गए थे चेयरमैन और ये कैसे थे टेम्परेरी थे आस्थाई थे Yeah. ठीक तो इस चीज को याद रखना <स्थिणा> ठीक तो यार ना यहां पर सचिदानंद सिन्हा यहां पर जो थे आपके यहां पर बनाए गए थे पहले आई मतलब जिसको आप बोलते टेम्परेरी और जितने नहीं आ रहे हैं ना जितने प्लस वाले हैं उनके तुरंत इसी टाइम के मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए मेरे को क्लास के बाद इस टाइम का स्क्रीनशॉट ले लेना ले ले और मेरे को सेंड कर देना <स्थिणा> <स्थिणा> ठीक चलो इतना चीज़ क्लियर अच्छा उसके अलावा आपकी पहल दूसरी मीटिंग कब होती थी तो ये ना ग्यारह दिसंबर उन्नीस छियालीस और इस टाइम यहाँ पर क्या बना दिया था राजेंद्र प्रसाद जी को आपका परमानेंट अध्यक्ष बना दिया था संविधान सभा का ठीक और अगर मैं बात करूँ इसकी आखिरी बैठक कब होती है तो ये चौबीस जनवरी उन्नीस को इसकी आखिरी बैठक कब होती है चौबीस जनवरी उन्नीस को और इसमें कितनी महिलाएं थी तो यहाँ आपकी पंद्रह वुमेन्स थी इसमें कितनी वुमेन्न थी पंद्रह वुमेन्स थी है ना उसके अलावा अगर मैं पूछू यहाँ पर थ्री एटी नाइन सीट थी आफ्टर मतलब पाकिस्तान बनने के बाद इसमें टू नाइन नाइन सीट बची थी कितनी बची थी टू नाइन नाइन डेट अगर मैं बात करू इकतीस अक्टूबर उन्नीस सौ सैतालीस को, को। ठीक तो इस चीज को याद रखना है ना इस चीज को आप याद रखिएगा <laughs> ठीक तो इस चीज को आप याद रखना चलो पता नहीं पढ़ने मतलब हमको कोई ऐसे पढ़ा तो हम तो रेगुलर पढ़ते रहे आधे लोगों को पढ़ने में पता ही नहीं क्या मतलब क्या ही बताएं जैसे जोग्रफी पढ़ा रहा हूँ जैसे पॉलिटी पढ़ा रहा पॉलिटिका जैसे मैथ जैसे रीजनिंग आई थिंक आई होप इससे पहले आपने ऐसा ना पढ़ा होगा ठीक है अगर पढ़ा है तो और अच्छी बात है नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए कुछ नया मिल रहा है समझ ही नहीं आता है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले मजूर किया जा सकता है मतलब सुन रहा हाँ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बिफोर द कम्पलीशन ऑफ द टर्म मैं बता रहा हूँ अधिकतर आप कहीं भी देखोगे चाहे यूट्यूब पे देख लो चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो वहाँ के थ्योरी के नाम पे आपसे क्या होता है बस स्लाइड पे लिखवा देते हैं स्लाइड पे लिखने से मैं भी तो पढ़ दे रहा हूँ हिंदी में उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व प्रचुर कौन क्या मतलब किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतलब ऐसे 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 तो ऐसे पढ़ने का आपको क्या मतलब जिसमें आपको मतलब यही चीज पढ़ना था बुक से पढ़ लेते हैं आपको इतनी अच्छी थ्योरी मैं दे रहा हूँ ठीक मैं बोल रहा हूँ कि जो क्लास में तार उसको पढ़ो उसके बाद जाके बुक पढ़ना तो अपने आप अच्छी चीजें समझ में आएंगी लेकिन ना हम तो एमसी क्यू करेंगे करना जिंदगी भर एम सी क्यू उसमें क्या जा रहा है ठीक अच्छा सुनो वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है ये सुनो तो सी वाला जो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द राज्यसभा टू बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा सबसे पहले अगर मैं बात करू यहाँ पर इनके इलेक्शन की आपके उपराष्ट्रपति मतलब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सभी मेंबर्स आते हैं ठीक है सभी मेंबर्स आते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा आती है लोकसभा और राज्यसभा राज आती है ठीक और अगर मैं बात करूँ इसके कौन से मेंबर ऑल मेंबर्स इसमें जाते हैं ठीक तो इस चीज़ को याद रखना और लास्ट में आपके हटाए इसकी मतलब यहाँ पर एक सिंपल मेजोरिटी इस बिल लाया जाता है सिंपल मेजोरिटी मतलब फिफ्टी परसेंट प्लस वन फिफ्टी परसेंट प्लस वन के मतलब वहाँ पर वो ठीक तो इस चीज़ को याद रखिएगा ठीक तो इस चीज का रखना अच्छा सर एक चीज और बताइए इनका इलेक्शन होता है राज्यसभा मेंबर हमने कहा होता है और इनका बच्चा जो इलेक्शन होता है बहुत अलग टाइप का होता है आधे लोगों को पता ही नहीं होता है, आधे लोग जो पढ़ाया करते हैं ठीक उन ये याद रखना उनका जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है ओपन बैलेट वोटिंग से होता है किससे होता है आपका ओपन बैलेट वोटिंग से समझे कैसे होता है ओपन बैलेट वोटिंग ये जो है ना सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स के लिए यूज किया गया किसके लिए राज्यसभा के मेंबर्स के लिए यूज किया गया है किसके लिए राज्यसभा के मेंबर्स के लिए यहां पर यूज किया गया है ठीक इसमें क्या होता है आपको अपने पार्टी के वीप को अपना दिखाना पड़ता है कि इसको आप वोट देने जा रहे हो और ये जो सिस्टम हम लोग कहाँ से लेके आए थे तो यहाँ साउथ अफ्रीका से लेके आए थे किस संविधान से लेके आए थे साउथ अफ्रीका के कहाँ से लेके आए थे साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोग ये चीज़ें लेके आए थे ठीक तो इस चीज़ को रखना इतना चीज़ क्लियर है ऊपर हाँ बिल्कुल ठीक और यहीं से आपको पता है ना संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भी लेके आए थे आर्टिकल तीन सौ अड़सठ में पहला संशोधन आपका हुआ था उन्नीस सौ इक्यावन में अभी तक एक सौ पांच हो चुके हैं कहां से लाए थे साउथ अफ्रीका से इतना चीज क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं अगर मैं पूछू यहाँ पर इसकी बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पर किस पार्टी की, की थी तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर किसकी की थी आपके

ठीक समझा दूंगा कभी जब थ्योरी क्लास होगी उसके अलावा दूसरा क्या है मैंडमस जो आपका परमानेंस बाकी सबको मैंने समझा रखा है जो पहली बार पढ़ रहा है तो थोड़ा सा रेगुलर हो क्लियर हो जाएगा ठीक तीसरा क्या है सरसरी सरसरी में जो बोला जाता है आई थिंक हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है आपका सो भी है हाँ, देख लेना अच्छा उसके बाद क्या है प्रोहिबिशन जिसको प्रतिषेध बोलते हैं और पांचवा क्या है आपका क्वा वरतो जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा ये सारी रेट जो है ना आप ले जा सकते हो यहाँ पर आप सारी रेटों को यहाँ पर ले जा सकते हो समझे तो इस चीज को याद रखना कहाँ ले जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट ठीक सुप्रीम कोर्ट यहां पर आप ले जा सकते हो अच्छा अगर मैं पूछूँ यहाँ पर उसके अलावा इनका रोल कहाँ था तो ना पंचायती राज में था कहाँ पर था पंचायती में था ठीक पंचायती जो है ना उसमें भी इनका रोल था ठीक तो इस चीज को याद रखना पंचायत को ये मतलब कहते थे अगर पंचायत आएगी तो वहां पर क्या होगा कास्टिज्म बढ़ेगा जातिवाद बढ़ेगा तो है आप देखो आपके यहाँ आप प्रधान के चुनाव हो तो काशी होता है है ना जब भी आपके यहाँ आप प्रधान के चुनाव होते तो जातिवाद बढ़ती है अगर आपके यहाँ मुखिया के, के चुनाव होते हैं सरपंच के चुनाव होते हैं तो आपके यहाँ आप जातिवाद बढ़ता है तो वो इसी के खिलाफ थे ठीक लेकिन उसको डीपीएसपी में लाया गया जब राज आपके सक्षम होते गए तो वो यहाँ पर क्या होता गया आपका लागू होता गया सबसे पहले कहाँ लागू हुआ तो यार ना नागौर राजस्थान में हुआ उसके बाद महबूब नगर ग्यारह अक्टूबर को हुआ जाके चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन बोला यहाँ पर विचो अगर मैं पूछू यहाँ पर आपका बोला गया निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए सिद्ध के रूप में मानी जाती है यहाँ पर वॉज डॉक टू मॉनिटर द एक्सपेंडिचर तो आपको मैंने पहले भी बता रहा था कैग के, के, के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है ठीक भारत का महान्यायवादी क्या होता है ना पहला विधि अधिकारी होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है क्या होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है शॉर्ट में बता देना रहा आर्टिकल सेवेंटी सिक्स में बताया गया सॉलिसिटर जनरल सेकेंड लॉ ऑफिसर होता है ये भी मैंने आपको बता दिया ये लीगल पोस्ट है इसको आपके लॉ के द्वारा बनाया गया था वो लॉ आप लिख सकते हो लॉ ऑफिसर एक्ट लॉ ऑफिसर एक्ट ऑफिसर टर्म्स एंड कंडीशन टी सी एक्ट 1987, ला मतलब यहां पर विधि अधिकारी विधि अधिकारी विधि अधिकारी, अधिकारी नियम एंड शर्तें नियम और शर्तें ठीक उन्नीस उसमें यहाँ उसमें यहां पर ये, ये पोस्ट बनाई गई थी अच्छा वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी तो पता ही आपको आर्टिकल वन फोर्टी इसमें अच्छा एडवोकेट जनरल वन सिक्सटी फाइव ये कहाँ होते हैं तो यार रखना तो ये होते हैं आपके राज्यों में जैसे आपको सुना होगा मतलब देश का विधिकारी मतलब जब भी भारत सरकार का कोई भी मतलब कानून होता है या मतलब भारत सरकार की कहीं भी मतलब यहाँ पर वो केस होता है या मतलब कोई भी विवाद होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन जाएंगे आपके महान्यायवादी वैसे स्टेट का केस होता है जैसे मोइनी जैन और यूनिकेशन जो वगैरह केस तो उसमें एडवोकेट जनरल जाते हैं जो स्टेट के होते हैं है ना तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा आगे चलते हैं अगला आर्टिकल आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बोल बीज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड द डी पी एस पी ऑफ मोर इफेक्टेड देन द फंडामेंटल राइट्स अच्छा फंडामेंटल राइट्स से यहाँ पर किसने मतलब वो किया था किस संविधान संशोधन ने अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशित तत्व को मौलिक अधिकार से मतलब उपेक्षा वो की थी किसने की थी तो यह ना आपके बयालीसवें संविधान संशोधन ने की थी अच्छा ऐसा क्या हुआ था बयालीसवें संविधान संशोधन में तो एक चीज याद रखना अगर मैं पूछूँ आपको याद है आर्टिकल आपका फोर्टी सिक्स जिसमें आपने सुना होगा एस सी एस टी के लिए मतलब यहाँ पर क्या बोला गया एस सी एस टी को मतलब यहाँ पर कुछ प्रोविधन दिया गया उसी का यूज करके यहाँ पर राजो ने पंद्रह के क्लॉज नंबर चार में फिफ्टीन के क्लॉज नंबर फोर में यहाँ पर क्या किए थे एस सी एस टी के लिए यहाँ पर कुछ प्रावधान डाले थे तो वो आपको याद रखना है इसी वजह से पता चलता है डीपीएसपी जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा मोर इफेक्टिव हो गया था आपके फंडामेंटल राइट्स में अच्छा डीपीएसपी ऐसा क्यों था तो यह ना डी को लाने का तात्पर्य यही था इसको लाने का रीज़न ही यही था कि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना क्या एक वेलफेयर स्टेट जो है ना एक कल्याणकारी राज्य जो है ना उसकी स्थापना करना किसकी एक कल्याणकारी राज्य की मतलब एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें आपकी इसमें मेंशन कर रखी हैं और उसने ये भी बोला है आर्टिकल इसके आर्टिकल थर्टी सेवन में ये भी बोला गया कि इसमें जो चीज़ मेंशन की गई है उसको लेके आप न्यायालय नहीं जा सकते क्योंकि ये जब राज्य आपका सक्षम होगा जिस दिन आपका सक्षम होगा तुम लोग के नहीं हो रहे देख लो हम राज सक्षम करे जा रहे हो तुम लायक नहीं सक्षम कर तो कम से कम मुझे लग रहा है कि पास दो आइडिया होती हैं कम से कम अस्सी हो जाना चाहिए लेकिन पचास हो पार नहीं हो पा रहा है वाह बड़े ज्ञानी लोग चलो अच्छा सुनो मेरी बात है ना जिस दिन आपका राज्य कैपेबल हो जाएगा मतलब सक्षम हो जाएगा उस दिन उस दिन जो है ना आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी जिस दिन आपका राज्य सक्षम होगा उस दिन ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी किसने बोला आपके डीपीएसपी में ये बात बोली गई समझे ये में बोली गई आपके डीपीएसपी में यहाँ पर बात बोली गई तो इतना चीज क्लियर है आपको इतना चीजें क्लियर है आपको चलिए बताओ ठीक इतना चीज क्लियर बताओ इतना चीज़ के लिए डीपीएसपी को लाया ही सीखे था वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने के लिए और डीपीएसपी जो है ना आपका इनफोर्सिबल नहीं होता वहीं अगर मैं बात करूं आपके मौलिक अधिकार जो है ना इनफोर्सिबल होते हैं आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के थ्रू आपको या रखना आर्टिकल तेरह आर्टिकल दो बत्तीस और आर्टिकल दो इनके थ्रू आप जा सकते हो कहाँ न्यायालय जा सकते हो है ना तो ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री एक के लिए आप नहीं कर सकते एक लिए कर सकते हो तो इस चीज़ को आप याद रखना बुढ़ बक बालिका ये कौन है बुढ़ बक बालिका ये हमको लग लगना अमिताभ है ऐसे नाम वही रख सकता अपने निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा संसद के में निषाद मतलब यहाँ पर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना किसके थ्रू लाया गया ठीक वो लाया गया आपको यार आर्ट आपक, जो सी वाला था वो बयाली बावनवा संविधान संशोधन हुआ था उन्नीस सौ में वो लाया गया इससे क्या हुआ आपके देश में आठ अनुसूची थी तो दसवीं अनुसूची जोड़ दी गई नौवीं जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन द्वारा ठीक है अगर मैं पर अनुसूची इन्होंने जोड़ जोड़ दी, तो जितने मेंबर हैं उनकी क्या चली जाएगी सदस्यता चली जाएगी सदस्यता मतलब चली जाएगी मतलब मेंबरशिप जो है ना वो चली जाएगी क्या मेंबरशिप चली जाएगी अब जिसको चेंज करके आप कर दिया गया है टू बाई टू बाई थ्री से कम मेंबर जाएंगे तो यार ना सबकी सदस्यता चली जाएगी इज इट क्लियर इतना क्लियर है आगे चलते हैं ठीक तो इस चीज को यार ना अगला क्वेश्चन है पर निम्नलिखित में, में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता द फॉलोइंग हुआ नॉट अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री गवर्नर और इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन सबसे पहले ये याद रखना कि भैया ये प्लेजर पर नहीं आते क्या ये प्लेजर पर नहीं आते ये प्लेजर पे नहीं आते भले ही आप अपॉइंट आपके राष्ट्रपति करते हैं लेकिन प्लेजर पे नहीं आते ये इनका कार्य कर रखा है सिक्स ईयर और या फाइव जो इनमें से पहले हो जाए है ना इस चीज को याद रखना उसके अलावा गवर्नर प्लेजर पे आता है प्रेसिडेंट प्लेजर पे आता है और उसके अलावा आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो इलेक्शन ही होते हैं यहाँ पर तो इसको कौन मनाता है इलेक्शन कमीशन लाते हैं इसके लिए इलेक्शन होते हैं और सारे ही मेम्बर आते हैं उसके अलावा आपको पता होगा उपराष्ट्रपति क्या होते हैं आपके पदेन अधिकारी होते हैं उपराष्ट्रपति क्या होते हैं आपके

तो इस चीज़ को आप याद रखना अब इनका ये दोनों जैन इनको भले ही प्रेसिडेंट नियुक्त करता है लेकिन ये दोनों ही प्लेजर पे आते हैं आप मेरे को कहीं भी किसी भी बुक में दिखा दीजिएगा जो भी स्टूडेंट कह रहा है कि इनका कार्यकाल नहीं होता तो तुम तो मेरे को दिखा देना बुक का स्क्रीन शॉट दे देना मैं बता दूंगा कि हाँ सही है कि गलत कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इनका टेन्योर मेंशन किया गया जैसे इनका मैंशन होता है राष्ट्रपति का आर्टिकल फिफ्टी सिक्स मेंशन किया गया कि पाँच साल रहेगा लेकिन ऐसा इनका कभी नहीं मैंशन किया जाता ठीक है तो इतना चीज़ें आपको याद रखना रेगुलर बेसिस पे आना है ठीक है याद रखना आपको रेगुलर बेसिस हाँ इसका आंसर उपराष्ट्रपति मैं तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था कि ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ठीक और आपको जाते जाते सेशन को लाइक करना है शेयर करना और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना उसके पहले याद रखना है अस्सी में आपके देश बैच है वो स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हो यहाँ पर महाभ्यास बैच आपके स्टार्ट हो सके आपका डाउट सेशन भी हो सकता है आपका डाउट मतलब कहते हैं ना एक डाउट का मतलब आपका अपडेट आ गया आपका डाउट जो है ना उस उसमें सेंड कर सकते हो उसके अलावा एस एस सी की टेस्ट सीरीज हैं ये आपके अकाउनिंग के फी फीचर आपको मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले डाउट के लिंग में प्रायोरिटी दी जाएगी और लाइव क्लास में भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी उसके अलावा रेज हैंड का ऑप्शन है और आप अन अकेडमिक किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एक कोड ज़रूर यूज़ करिएगा कौन सा मैं आपको बता देता हूँ ठीक तो याद रखिएगा कोड यूज़ करिएगा स्टूडेंट एंड ठीक है स्टूडेंट टेन जिसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक और जो पहली बार आया तो चैनल को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है तो मिलते हैं आपसे कितने बजे मिलते हैं आपसे कल तब तक लिए बाय बाय टेक केयर ठीक है सब्सक्राइब आप कर लोगे जिससे क्या होगा जब भी क्लास होगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो इसलिए मैं कहता हूँ आप सरप्राइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है बाय बाय टेक